गहरा में गुफा है अंदर और हाँ ऊपर छठान देखिए तो आप ऊपर छठान ये छठानों के बीचों बीच में गुफा है। मुझे नहीं पता ये किस चीज का गुफा है, शेर का है या फिर राजा का है या फिर रानी का है। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में और अपन अभी जा रहे हैं फिलहाल में राजा के महल के जस्ट पास में एक झरना है, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बेहतरीन लोकेशन है, तो मैं आप लोगों को वहां पर लेके जा रहा हूं। तो वीडियो को कर देना लाइक और करो एंजॉय, क्योंकि जिस लोकेशन पर आप को मैं लेके जा रहा हूँ वो लोकेशन इतना भयानक है, इतना मस्त है दोस्तों, आप एक बार देखोगे तो देखते रह जाओगे। काफ़ी भयानक गुफा है और काफ़ी भयानक झरना है और लोकेशन भी काफ़ी बेस्ट है। तो फिलहाल मैं शाम की 5:30 बज रही है दोस्तों और मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को गुफा दिखाने के लिए। तो करो एंजॉय वीडियो को और करो वीडियो को लाइक फटाफट और देखते रहो, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा झरना और कैसा लगा गुफा। बट मुझे ये नहीं पता है जो गुफा मैं देखने जा रहा हूँ दोस्तों वो गुफा राजा का है या फिर रानी का है या फिर कोई खतरनाक जानवर का है, टाइगर या फिर सीता हो सकता, या फिर राजा का जो कैदी रहते थे उनको शायद ले जाके अंदर कैद करते थे। तो मैं जितना पता है इतना बताऊंगा दोस्तों। और फाइनली अपन आ गए हैं, चलो यहाँ से मुड़ जाएंगे अपन और यहाँ से वो झरना चालू हो जाएगा यहाँ से, और जो है पहाड़ी वो भी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो दिखाता हूँ आप लोगों को मैं झरना। स्वागत है आपका हमारे पार्ट 3 में फिर से एक न्यू वीडियो में, और अभी हम आए हैं ऐसे खतरनाक लोकेशन पर, बहुत बेहतरीन लोकेशन पर। तो वीडियो को कर दो लाइक, दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का लोकेशन। तो पहले तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, जहाँ देखो वहाँ छठान ही छठान है और इस तरफ है झरना। तो चलो झरने के पास आपको लेके चलता हूँ और झरना दिखाता हूँ कितना बेहतरीन झरना है। शायद आपने आपकी लाइफ में कहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो चलो दिखाता हूँ आप लोगों को, पसंद आएगा झरना वगैरह। और चलो आ रहे क्या देखने के लिए, बहुत बेहतरीन दोस्तों। तो ऐसे देखने के लिए हर रोज़ नहीं मिलता दोस्तों, कभी कभी देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपका भाई आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ गुफा वगैरह यहाँ का। तो बाप रे बाप, ऐसी जगह पे आ गया हूँ दोस्तों जहाँ रानियाँ वगैरह नहाती थी। देख लो ये है ना, खूबसूरत देखने के लायक। तो ऐसा कभी कभी देखने के लिए मिलता है। तो देखो एंजॉय करो और लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लग रहा झरना। और यहाँ गुफा है देख लो, ये तो अभी पानी भरा रखा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई पहले राजा रानी रहते होंगे, तो कोई इनके मजदूर वगैरह रहते होंगे। और दोस्तों ये है झरना और यहाँ है गुफा, देख सकते हो शायद शेर का गुफा हो सकता है या फिर राजा का गुफा या फिर रानी का, कुछ जानवर भी रह सकते हैं। तो चलो देखते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को क्या है यहाँ। वाओ, पानी ऊपर से आ रहा है, तो दोस्तों ये देख सकते हो पुराना अपने घर जैसा लग रहा, पर ये पुराना गुफा है। तो यहाँ शायद राजा वगैरह रहते होंगे या राजा के सिले रहते होंगे बहुत लोग। तो अभी फिलहाल में यहाँ पर कुछ बस्ती वगैरह वहाँ रहते हैं ऐसा लग रहा है। तो ये चट्टानों के बीच में है दोस्तों, मैं आप लोगों को चट्टान भी दिखाऊंगा, मैं चट्टानों के बीच में हूँ फिलहाल में। और यहाँ पर देख लो चप्पल पहनने के बड़ा ध्यान देख लो दोस्तों, शायद शेर का गुफा है। मुझे डर लग रहा है बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, इतने दूर आया हूँ तो दिखाने के लिए फर्ज तो बनता है। और यहाँ पर है झरना देख सकते हो, कितना काफ़ी खूबसूरत झरना है दोस्तों। ये मांडव में ही है दोस्तों, आप यहाँ अभी तक यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आए तो आप देखो यहाँ पर इधर अंदर
तो दोस्तों मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ गुफा के अंदर, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा। और आप लोग इस जगह से हो या फिर इस जगह पे घूम चुके हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक मुझे लग रही है देखने के हिसाब से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। चलो मेरे फ्रेंड लोग आए, सब कुछ बोलता हूँ और सब नहीं से जा सकते नहीं जा सकते। और जहाँ जो गुफा में मैं घूम रहा हूँ वो गुफा ऊपर शतान देख सकते हो आप, ऊपर शतान ये शतानों के बीचों बीच में गुफा है और ये काफ़ी डरावना है। और आप चाहो यहाँ घूमने के लिए आओ, यहाँ देखो बिल्कुल, और ये मज़ा ले सकते हो झरने का, काफ़ी खूबसूरत झरना है। तो दोस्तों है ना देखने के लायक कुछ, तो ये गुफा है, यहाँ पर नहाने के लिए आते थे राना रानी वगैरह, रानी के साथ जो भी लड़कियाँ वगैरह रहती थी वो आती होंगी, कुछ तो होगा जैसे पुराने ज़माने का है। तो मुझे इतना पता नहीं दोस्तों, आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने इसके बारे में नहीं जाना है, मैं डायरेक्ट यहाँ घूमने आया हूँ। और देख रहा हूँ देखने के हिसाब से मेरे को लग रहा है पुराना कुछ राजा वगैरह नहाने आते होंगे, या फिर राजा के छेले आते होंगे, या फिर रानी वगैरह आते होगी, तो इस तरह है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा देखने के लायक है। और ऊपर देख लो छठान, मेरे ऊपर ये इतने बड़े बड़े छठान। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे फ्रेंड लोग फाइनली आ गए फ़ोटो खींचने के लिए, और मैंने जितना हो सके इतना आप लोगों को यहाँ का दिखाया लोकेशन, और मुझे इसके बारे में इतना डिटेल मालूम नहीं है दोस्तों, मैंने कभी डिटेल निकाली भी नहीं, बट मैंने मेरे हिसाब से मेरे को जैसा लगा मैंने आप लोगों को बोला और दिखाया। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का गुफा है, शेर का है या फिर राजा का है या फिर रानी का है या किस चीज़ का ये गुफा है, मुझे नहीं पता दोस्तों, बट मैंने आप लोगों को यहाँ मुझे दिखाने के जैसे लगा मुझे, क्यों ना ये दोस्तों को दिखाया जाए ऐसा, तो मैंने दिखाया आप लोगों को। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलो अब चलते हैं इस तरफ बड़े बड़े चट्टानों की तरफ, यहाँ देख सकते हो मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े चट्टान है दोस्तों ये, तो यहाँ भी फ़ोटो वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन है। बट यहाँ पर एक बात ज़रूर है, यहाँ कुछ तो होगा ज़रूर, जैसे कि मतलब गुफा वगैरह तो नॉर्मल चीज़, यहाँ पर हर जहाँ देखो वहाँ गुफा मिलती है देखने के लिए। चलो एक और गुफा दिखाता हूँ, वहाँ मैं जाऊँगा नहीं बट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पीछे वो गुफा है, बहुत ख़तरनाक गुफा है दोस्तों, आपको ऐसे नॉर्मल लगती होगी वीडियो के अंदर बट ये बहुत ख़तरनाक गुफा है। और इस तरफ देख सकते हो चट्टान चट्टान ही चट्टान, और यहाँ है पहाड़, एक बार गिर गए तो हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी, देख सकते हो मेरे नीचे हिल, देखने के लायक बहुत ख़तरनाक दोस्तों लोकेशन है ये। तो मांडो आप, मैं तो ज़रूर बोलूँगा आप लोग यहाँ घूमने आओ और देखो, क्योंकि ये घूमने के लायक बहुत ख़तरनाक जगह है दोस्तों, बट फैमिली के साथ आओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा, पूरे परिवार के साथ आओ देखने के लायक और दिखाने के लायक ये लोकेशन, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये है पहाड़ यहाँ का, काफ़ी ख़तरनाक, बारिश के टाइम में मुझे लग रहा है यहाँ का और भी ख़तरनाक व्यू देखने के लिए मिलता होगा। चलो बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ का लोकेशन। तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ फोटो वगैरह ले ली और आपको गुफा भी दिखा दिया और यहाँ का झरना भी दिखा दिया और छठन वगैरह भी दिखा दिया, जितना हो सके इतना मैंने कोशिश करी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पर, तो शायद मैं वीडियो कर पाऊँगा क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है और पावर बैंक मैं ले के नहीं आया हूँ। और यहाँ पर जाते जाते एक और दिखा देता हूँ आपको, राज जो मैंने गुफा दिखाया था दोस्तों अंदर जहाँ जाने के लिए मैं डर रहा था, वो गुफा यहाँ पर आ रहा, देखो यहाँ पर आ रहा, देखो यहाँ दोस्तों बहुत खतरनाक, ये देखो है न बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों यहाँ पर टाइगर गया यूँ बोल रहे दोस्तों लोग, पता नहीं सचमुच बोल रहे या फिर झूठ बोल रहे,
बट मैं यकीन कर सकता हूँ क्योंकि गुफा इतना खतरनाक है। तो चलो मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर ये गुफा देख सकते हो दोस्तों। और ये ही गुफा यहाँ से होते हुए यहाँ तक होते हुए इस चट्टानों के बीचों बीच में जा रही है। वो गुफा मैंने दिखाया ना आप लोगों को, देखो ये इस गुफा में। तो ये बहुत खतरनाक गुफा है दोस्तों, तो मैं ज़रूर बोलूँगा इसके अंदर खतरनाक जानवर रह सकते हैं। और डरना भी चाहिए, जान तो हर किसी को प्यारी रहती, तो डरना चाहिए। ये है झरना, बाय बाय झरने को। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे कभी टाइम मिले नए वीडियो में। काफी ब्यूटीफुल जगह है जी यहाँ की देखने के लायक, मतलब मन ही नहीं भरा था, देखते रहो ऐसा ही लगता है। काफी बड़ी बड़ी पहाड़े भी, गुफा भी और झरना भी मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ का। मांडव है यार कुछ देखने के लायक यार यहाँ पर। तो चलो दोस्तों घूम के और आ चुके हैं हम, और अब जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पर। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ, क्योंकि मोबाइल रहा तो मोबाइल अभी बंद होने वाला है। तो देखते हैं पार्ट 4 भी आ सकता है, तो करना वेट। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में। करते हैं वीडियो एंड।